पीटीआई के जलसे के मौके पर पार्टी रहनुमा इख्तलाफात का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की तैयारियों के लिए होने वाले इजलासों में भी कई रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया था। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, क्या तफसील है इसकी? में की जो क्यादत है उनमें इख्तलाफात जो है वो खत्म नहीं हो सके और पीटीआई जो रहनुमा है जुनैद अकबर और शकील खान तो उन्हें सवाबी में पीटीआई इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं किया गया और जलसे से मुतलक वज़ीर हाउस में जो इजलास हुए थे गुज़िश्ता दिनों तो उसमें भी दोनों अरकान असेंबली जो है वो शरीक नहीं थे, जबकि ज़राए का ये बताना है कि रुकन असेंबली आतिफ खान जो है वो भी इन इजलासों में शरीक नहीं थे और ये भी ज़राए का बताना है कि जुनैद अकबर जो है वो सवाबी में पीटीआई कारकुनों का जो इज्तिमा है अब से कुछ देर बाद उसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खिताब भी करेंगे तो वो इस लाइले में इसी सिलसिले में हमने जुनैद अकबर से बात भी की है और उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सवाबी जाएंगे तो हम भी जरूर जाएंगे और उन्होंने ये भी कहे कि वज़ीर आला पार्टी के सूबाई सदर है, इनके काफले में जो है हम शरीक होंगे और इन्हीं के काफले में ही इस्लामाबाद जलसा गाह जो है वो पहुंचेंगे।